तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बना के दिखाने वाला दोस्तों मिल्क शॉप का यानी दूध जो दुकान रहता है उसका बैनर आप कैसे बना सकते हो, और भी अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों पिछले कुछ दिनों मैंने एक और बैनर बनाया था दूध की दुकान का ही, तो अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो आपको उसका लिंक जो आई बटन मिल जाएगा जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में जो कि दूध के दुकान का ही बैनर बना के एक नई डिज़ाइन का बैनर बना के आपको जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और वो बैनर दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया हो किस तरीके का बैनर था। तो चलिए अभी फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे आपको बनाना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों उसको बनाने के लिए यूज़ करूँगा पिक्सेल एप्लीकेशन। चलिए इधर पर मेरा पिक्सेल एप्लीकेशन इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, इसका जो पीली फाइल डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें जो लगा हुआ पासवर्ड आपको वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो दोस्तों तो ये जो वीडियो आपको समझ में नहीं है, अगर आपको इस वीडियो को ठीक से समझना है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है, कैसे कैसे एडिटिंग करना पड़ रहा है, कैसे पीएलई फाइल ओपन करना है, सब कुछ डिटेल में आपको समझना है, तो दोस्तों आपको मेरे आई बटन में पहले नंबर पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके पहले आपको उस वीडियो को देखना। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो ये वीडियो आपको जो समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने बैनर के बारे में। तो दोस्तों इधर में जो माई प्रोजेक्ट का फाइल है इधर पर आइकन है देख सकते हो इधर पर, तो इस पर चलिए क्लिक करके मैं अपने ओपन कर लेता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। तो इधर पे मेरा कहाँ पे देखते हैं उसको मैंने बना के रखा हुआ दोस्तों, इधर पे देखते दूध डेयरी के नाम से पीएलई फाइल दिया हुआ है, तो इधर मैंने देख सकते इधर पे ओपन कर लिया है। कुछ इस तरीके मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और इसमें मैंने जो कुछ भी ऐड किया हुआ है इधर पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपके सामने ही सब कुछ है। इधर पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो इधर पे लिखा हुआ है प्रो सौरभ जाती, बीच में श्री गढ़साई नाम है, बीच इसके साइड में जो है मोबाइल नंबर डालो, उसके नीचे आप देखो तो दूध यानी कि शॉप का नाम है जो कुछ भी आपका नाम है वो आपको डालना है इधर पे। उसका दोस्तों नीचे देखो तो मैंने जो भी आइटम आया जो भी ये प्रोडक्ट आपके शॉप में मिलते हैं दूध के वो मैंने इधर पे कुछ नाम इधर पे लिखा हुआ है। उसके नीचे देखो दोस्तों तो फ्री होम डिलीवरी कुछ नंबर डाला हुआ मैंने, और उसके नीचे जो एड्रेस डाला हुआ है, और नीचे लाइन से आपको कुछ जो प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा बैनर में। तो आपको इधर पर क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको फटाफट अभी बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इधर पर जो लिखा हुआ मैंने प्रो सौरभ दिख रहा है उसको कैसे आपको चेंज करना है, कैसे आपको उधर पर अपना नाम डालना है। तो वो नाम चेंज करने के लिए इधर पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है मराठी फोन कन्वर्टर या इंडियन फोन कन्वर्टर बोल सकते हो। एप्लीकेशन आपको जो प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, जाके सर्च करना मराठी फोन कन्वर्टर, तो एप्लीकेशन इधर पे देखो कुछ इस तरीके से इसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उधर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस एप्लीकेशन जो क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इधर मैंने इस एप्लीकेशन को जो इधर पे ओपन कर लिया हुआ, इधर मेरा ओपन हो चुका है। तो अभी आप दोस्तों देखोगे इधर पे आपको जो कई सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं आपको, तो इधर पे आपको पहले नंबर पर यूनिकोड टू सीधे करके ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आ जाओगे। अभी आपको इधर पे करने का, अभी आपको इधर पे देख रहे हो इधर पे लिखा गया यूनिकोड, नीचे लिखा गया टाइप टेक्स्ट यूनिकोड टेक्स्ट हियर करके, तो आपको उस पर टाइप करना है। टाइप करते ही आपका कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी दोस्तों आपको जो कीबोर्ड है इंग्लिश में रहेगा, तो उसको आपको जो क्लिक करके हिंदी में करना है। कुछ इस तरीके से मेरा हिंदी में आप देख सकते हो चुका है। तो अब हिंदी में करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो भी आपका नाम लिखना है, आपको प्रो सौरभ प्रदीप मैंने लिखा था, तो जैसे आपको लिखना है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए प्रो सचिन, प्रो सचिन राजभर डाल देता हूँ मैं, सचिन राजभर, सचिन राजभर मैंने लिखा। और इधर पे देखो दोस्तों लिखने के बाद आपको करना क्या है, ऐसे आपको लिख लेना नाम, नाम लिखने के बाद इधर पे लिखा गया है यूनिकोड टू सीधे करके बीच में ही ऑप्शन, तो आपको उस पर टाइप करना है। टाइप करते ही आपको नीचे यूनिकोड मिल जाएगा, उधर पे आपको इधर एक कॉपी का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके यूनिकोड कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों वापस से आपको अपने पिक्सेल एप्लीकेशन में आना है। तो चलिए इधर मैं पिक्सेल एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। आने के बाद दोस्तों अभी आपको करना है इधर में जो लिखा गया प्रो सौरभ प्रदीप उस पर आपको सेलेक्ट करके उसको उस पर आपको डबल टाइप करना है। डबल टाइप करते ही आपको जो एक सिलेक्शन आ जाएगी, इधर पर आप अभी आसानी से एडिट कर सकते हो। तो इधर पर आपका जो भी नाम था उसको कट करना है, और जो प्रो लिखा गया था उसको रहने देना। आपको इधर पर अभी अपना नाम जो कॉपी किया था आपने उस एप्लीकेशन से उसको आपको इधर पेस्ट करके ओके करना। ओके करते ही जो आपका नाम ही चेंज हो जाएगा। इधर पर आप देख सकते हो मेरा नाम जो चेंज हो चुका है। अभी इतना करने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर भी ऐसे चेंज कर लेना है, और मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद दोस्तों आप इधर पे देख सकते हो जो ही मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा वो प्रोडक्ट का नाम भी आपको ऐसे ही चेंजेस करना है। और इधर पे आपको जो इधर पे देख दो दोस्तों मैंने जो लिखा हुआ है कि रमनिया मोड़ जिगली बाजारी एड्रेस, दोस्तों ये इससे आपको जो मैंने अभी आपको जो तरीका बताया चेंज करने के लिए, उससे आपको जो ये नाम चेंज करना है और मोबाइल नंबर चेंज करना है, और इधर मैंने जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखा वो चेंज करना है आपको। उसके बाद आपको इधर पे जो एड्रेस चेंज करना है, अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो है ये अपना शॉप का नाम कैसे चेंज करना है आपको। उसके बाद फ्री होम डिलीवरी का जो नंबर उम्र लिखा गया है वो सब आपको कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों जो अपना शॉप का नाम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आपको नीट की जरूरत है, तो उसके लिए आपको अपना नीट चालू करना है। नीट चालू करने के बाद दोस्तों आपको जो इधर पे अपना गूगल एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ब्राउजर है आप ब्राउजर भी ओपन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इधर पर क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और इधर मैं इसके होम पेज पर आ चुका हूँ। होम पेज पर आने के बाद आपको इधर पर एक सर्च का ऑप्शन दिखने मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको इधर पे सर्च करना है आकृति देव कन्वर्टर, तो चलिए इधर मैं लिख के सर्च करता हूँ आकृति देव, इधर पे लिखा मैंने, उसके बाद कन्वर्ट,
इधर पे लिखा मैंने कन्वर्टर, उसके बाद इसको सर्च करता हूँ। सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने जो कई सारे आपको वेबसाइट इधर पे देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल मेरा जो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए थोड़ा लोडिंग कर रहा है, तो अभी चलिए थोड़ा वेट करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इधर पे आप देखो, जैसे आप सर्च करते हो तो आपके सामने इधर पे जो कई सारे आपको वेबसाइट इधर पे देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इधर पे इस वेबसाइट पे आना है, इधर पे आप देख सकते हो वेबसाइट का नाम इधर पे देख लो आप, www.pramukhphoneconverter.com करके वेबसाइट का नाम इधर पे लिखा गया, यूनिक कोड टू सूर्यदेव करके, यूनिक कोड टू सॉरी दोस्तों आपको लिखा गया इधर पे यूनिक कोड टू आकृति देव प्रिया करके। तो आपको इस पे टाइप करना है, जैसे आप इस पे टाइप करते हो तो ये वेबसाइट आपके सामने जो आपके फोन इधर पे ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का इसका वेबसाइट का लुक है, इधर पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको इधर पे करना है, इधर पे लिखा गया मराठी आकृति देव प्रिया टेक्स्ट लिखा गया है, इस साइड में जो है मराठी यूनिकोड टेक्स्ट लिखा गया है। तो आपको पहले वाले साइड में जो आकृति देव प्रिया लिखा गया उसके साइड में आपको एक डॉट है, आपको डॉट पे क्लिक करके आपको इधर पे ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद यूनिकोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इधर पे जो यूनिकोड सेलेक्ट है दोस्तों आपको इधर के डॉट पे क्लिक करके आपको जो आकृति देव प्रिया इधर पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो इधर पे पहला वाला बॉक्स है आपको इस पे टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपका कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको इधर पे जो अपना कीबोर्ड को हिंदी में करना है, तो इधर मैंने अपने चले कीबोर्ड को हिंदी में कर लेता हूं। हिंदी में करने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना शॉप का जो भी नाम आपको डालना है तो आपको इधर पे जो टाइपिंग करके डाल लेना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर पे जो अपना शॉप का नाम इधर पे डाल दिया हुआ टाइपिंग करके, शॉप का नाम इधर पे लिखने के बाद दोस्तों आपको हिंदी में लिखना है। लिखने के बाद आपको जो इधर पे दो एरो देखने को मिलता है, तो आपको ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका जो दूसरा वाला बॉक्स है दोस्तों आपको उसमें जो यूनिकोड इसका देखने को मिल जाएगा। चलिए उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, जो भी यूनिकोड है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो भी यूनिकोड था उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों अभी आपको वापस अपने पिक्सेल एप्लीकेशन में आना है, तो इधर मैं आ चुका हूँ अपने पिक्सेल एप्लीकेशन में और इधर पे डबल टैप करता हूँ मैं। डबल टैप करने में इधर जो कुछ भी लिखा गया दोस्तों इसको चलिए कट करके हटाते हैं इधर से। उसके बाद अभी मैंने जो उस वेबसाइट से कॉपी किया उसको चलिए इधर पेस्ट करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देख सकते हो इधर मेरा जो शॉप का नाम चेंज हो चुका है, जो भी मैंने उधर पे वेबसाइट पे लिखा हुआ था हिंदी में वो मेरा इधर पे आ चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके जो इधर पे शॉप का नाम चेंजेस कर सकते हो, और इधर मैंने जो लिखा हुआ फ्री होम डिलीवरी इसको भी आप वैसे ही चेंजेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ जो ए हो गया और ए हो गया, ये दोनों चीज़ जो आप उस वेबसाइट से चेंजेस कर सकते हो, और बाकी का जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है मेरे इस बैनर में वो आपको जो उस एप्लीकेशन से चेंज करना है जो मैंने आपको पहले तरीके में वाले में बताया। तो दोस्तों ये रहा मेरा बैनर जो भी था, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। और हाँ, इधर मैंने जो कुछ भी प्रोडक्ट लगाया हुआ, अगर आपको ये सब प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने मनपसंद का प्रोडक्ट को लगाना तो आपको PNG इमेज डाउनलोड करना हो, जो भी प्रोडक्ट लगाना है PNG में डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस के आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। जाने के बाद जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको प्रोडक्ट इधर पे दिखाई देगा आपको, तो उसको ओपन करके यहाँ पे जो आपको सेट कर लेना जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हो। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो जो भी मेरे बैनर के बारे में था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।